सर्व हम बाल काले करने का तेल बेच रहे हैं। हस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। सॉरी सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्क्रिप्शन में भी हैं। तो बेटे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? सर जी अस्पताल में। बेबी सुनो, मैं सोच रही थी मैं ना थोड़े से बाल कटवा लूं। हाँ तो कटवा लो, लेकिन आपको पता है ना मुझे कितनी मेहनत लगती है इतने बड़े बाल बढ़ाने में। तो फिर मत कटवाओ। पर आजकल छोटे बालों का ही ट्रेंड चल रहा है। कटवा लो। पर छोटे बाल हो जाएंगे तो मैं इनकी पौनी भी नहीं बना पाऊंगी। ठीक है मत कटवाओ। लेकिन मेरे दोस्त लोग कह रहे थे कि मुझे छोटे बाल बहुत सूट करेंगे। हाँ तो कटवा लो। लेकिन मैं ना अपने बालों से बहुत बोर हो गई हूँ, तो मैं सोच रही थी कुछ एक्सपेरिमेंट कर लूँ अपने बालों के साथ। कटवा लो। पर मुझे डर भी लगता है बाल छोटे करवाने के बाद मुझ पे सूट करेंगे भी या नहीं। मत कटवाओ। पर मैं सोच रही हूँ मैं कटवाई लेती हूँ, कुछ नया हो जाएगा। कटवा लो। लेकिन ये छोटे बाल मुझ पे सूट नहीं करे ना, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप ही बोल रहे हो कटवाने के लिए। तुम मत कटवाओ। लेकिन छोटे बाल मैनेज करना भी इजी है। कटवा लो। तो मैंने डिसाइड कर लिया है मैं बाल कटवा लेती हूँ। कटवा लो, मत कटवाओ। नहीं नहीं कटवा लो। अरे क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? डॉक्टर के पास चले। पर कटवा लो, मत कटवाओ। कटवा लो, कटवा लो, मत कटवाओ। 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 कटवा लो। पढ़ के आए हो कि नहीं पेपर है आज? हाँ सर पढ़ के आए। ये लो चलो जाओ। बॉबी का टीप रहा है। बॉबी तू उठ के आगे बैठ। अबे भाई कुछ भी नहीं आ रहा, तेरी कॉपी दे। सर ये लोगों ने अपने अपनी कॉपी एक्सचेंज की। अच्छा हाँ? अरे इसको क्या हो गया? सर ये तो निकल लिया। रुको मैं एम्बुलेंस बुला के लाता हूँ। ज्यादा तेज चल रही है क्या खेबड़ी? क्या कर रहे हो? अरे आईपीएल स्टार्ट हो गया ना, मैच देख रहा हूँ। अरे यार अब तो पूरे दिन मैच में घुसे रहोगे, मेरे पे ध्यान ही नहीं दोगे, मैं जा रही हूँ। पहली बार कदमों का सही इस्तेमाल। क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा शॉट मारा। आओ ना मैच देखते हैं साथ में। ठीक है आती हूँ। किस किस का मैच चल रहा है? आरसीबी और चेन्नई का मैच चल रहा है। पाकिस्तान नहीं खेल रही क्या? इंडिया पाकिस्तान के मैच का मजा आता है। आईपीएल चल रहा है, इसमें इंडिया की टीमें खेलती हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये विराट का बढ़िया है, अभी मैच की ड्रेस नहीं था, अभी कुछ ही समय में आ गया है। अरे एडवर्टाइजमेंट आ रही है जोर। अच्छा अच्छा। अरे ये लो अभी एक आउट हुआ, सेम टू सेम दूसरा भी आउट हो गया। रिप्ले दिखा रहे हैं उसी विकेट का। वैसे ही विराट ने अच्छा नहीं किया, इंडिया की टीम छोड़ के आरसीबी ज्वाइन कर ली। क्या हो गया मैच की बन सकती है? मेरे को देखना ही नहीं है, मैं रात को हाईलाइट देख लूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ बैठा हूं। बैठो भैया, एक स्टीम मोमोज दे दो। क्यों भाई क्या ऑर्डर किया तूने? कुछ भी तो नहीं किया। क्यों भैया क्या ऑर्डर किया इसने? स्टीम मोमोज। अच्छा मेरे लिए एक पेरी पेरी चीज कॉर्न मोमोज लगा देना। लाओ भैया पेमेंट कर दो। ये लो भैया, एक प्लेन डोसा दे दो। हाँ भाई क्या ऑर्डर किया तूने? कुछ भी नहीं। क्यों भैया क्या ऑर्डर किया इसने? प्लेन डोसा। अरे प्लेन में मजा नहीं आता यार, एक काम करो चीज मसाला डोसा कर दो और इसमें चीज थोड़ी एक्स्ट्रा कर देना। लाओ भैया 200 रुपए हो गए। भैया एक बीड़ी देना। क्या लिया तूने? नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों भैया क्या लिया इसने? बीड़ी। बीड़ी? अबे आप बीड़ी पियेंगे क्या? एक गोल्ड फ्लेक दो। खुशी की वो रात आ गई, मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। ओह नो माय के मामा तेरा बहन महावीर वाला तेरा मैया वाला बहन वाला तेरा बेटी। अरे उली भाई मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ। क्या खुशखबरी लाई? मुझे तुम्हारे बाप की सेटिंग का पता चल गया। कौन है पवन भाई? तुम्हारी अम्मी।
इसका मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे पापा घर में ही झोल झाल कर रहे, समझाओ उनको जल्दी से। तुम्हें पता है 20 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ था। अच्छा फिर? फिर हमारी शादी हुई तो कहीं जाके एक बच्चा हुआ। शादी के बाद ही तो हमारा बच्चा। अच्छा मुझे ना पता। मम्मी हाँ। हमें ना लग रही कि अगर मैं बहू की कमी है तो ना लग रही तेरे मुंह पर चप्पल की कमी है। अरे भैया हॉस्पिटल किधर है? आगे से दाहिने हाथ। भैया एक पर्चा बना दीजिए। क्या दिक्कत है? कान का ऑपरेशन करवाना है। चलिए। डॉक्टर साहब इनके गांड का ऑपरेशन करना है। गांड का? अरे कान का बोले थे। अरे भैया वो थोड़ा कम सुनता है। अरे भैया अब तो आफत हो जात, लोग हाथ से गांड दो तो हम गांड से हाथ धो बैठे। अरे भैया कान के तो करा लियो। अरे भैया ये क्या है? भैया ये बंद गोभी। अच्छा तो इसे खोल के 1 किलो पैक कर दो। निकल। कहां से आते हैं? आम कैसे दिए भाई? आम 150 रुपए किलो है भाई। 150 रुपए किलो? बस सही लगा लो भाई। भाई सही लगा रखे, लंगड़ा आम है इसीलिए 150 रुपए कर रखा है। अबे भाई लंगड़ा है जभी तो कह रहा हूँ सही लगा लो, इसका प्लास्टर भी तो करवाऊंगा। हेलो इट्स मी अमरूद। भैया पानी पूरी खिला दो। हाँ मैडम खिला देते हैं, ये लीजिए। भैया आपके यहाँ के पानी पूरी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ मैडम जी तभी तो आप इतने सालों से आ रहे हो हमारे यहाँ। हाँ पर अब ना मैं आखिरी बार ही खा रही हूँ आपके यहाँ के पानी पूरी, अब नहीं खा पाऊंगी। क्यों मैडम जी, आज के पानी पूरी अच्छे नहीं थे क्या? अरे पानी पूरी तो बहुत अच्छे है, वो ना मेरी शादी फिक्स हो गई है तो अब ना मैं शहर से बाहर चली जाऊंगी। अच्छा मैडम। और हाँ मेरे हस्बैंड की ना सरकारी नौकरी है, 50,000 रुपए महीना सैलरी है उनकी। अरे वाह हम तो यहाँ से 10,000 रुपए कमा पाते हैं। अच्छा 10,000 रुपए दिन का? 10,000 रुपए दिन का मतलब महीने के 3 लाख। आई लव यू सो मच मेरे पति। आई लव यू मैडम जी, आई लव यू। साथ में पानी पूरी बेचेंगे। चलो। अरे भाई एक जोड़ी चप्पल दिखाना जरा। अच्छा भाई नंबर बोलो। 94-112-24-36। अबे साले फोन का नंबर थोड़ी चप्पल का नंबर पूछ रही हूँ। चूची है चूची। चूची चूची। अच्छा सूजी है। मैया तूने गनियों दे दो। खींच के लगा देंगे। गनिया गनिया गनिया। अरे हाँ ठीक दे दे रहे ठीक। गन्यम डाल बाघ साले तोतला कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बाघ बाघ कहीं खत्म हो गया बाघ। अरे भाई हंस क्यों रहा है? अरे कृष्णा भाई कल रात मुझे मेरे बंदी बोल रही थी घर पे कोई नहीं तो मैंने ना मेरे दोस्त भेज के उसके घर पे चोरी करवा दी। बहुत बदतमीज इंसान हो पवन भाई। अरे बदतमीज तो मैं बचपन से हूँ। अरे मैडम रोको रोको रोको। क्या मैडम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो? बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो, आपका तो चालान कटेगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है तो मेरा चालान कटेगा, पर क्या आपने मेरी मजबूरी जानी है कि मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अरे हर किसी की कुछ मजबूरी रहती है मैडम, बताओ आपकी क्या मजबूरी है? अरे ये ईयरफोन नहीं लगती ना फिर मैं गाने कैसे सुनती? गाने? हेलमेट भी लगा और गाने सुन रहे हो, तुम्हारा तो डबल चालान कटेगा। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये, क्या आपको पता है मैं गाने क्यों सुन रही थी? क्या मजबूरी थी मेरी? अरे क्या मजबूरी है आप? ताकि लोगों का चिल्लाना नहीं सुनाई दे। अच्छा कौन चिल्ला रहा था वैसे? अरे मैंने एक को ठोक दिया ना स्कूटी से, वो चिल्ला रहा था इसलिए गाने सुन रही थी। गाड़ी में ठोक के रही हो, तुम्हारा तो ट्रिपल चालान कटेगा। इतने आसानी से कह दिया आपने, क्या आपको पता है मैंने क्यों ठोका उसको? क्या मजबूरी रही होगी मेरी? अरे आप क्या मजबूरी थी मैडम,
क्या आपको पता है कितना मुश्किल होता है चलती गाड़ी में से छीन खींचना? ठोक दिया मैंने। ए प्रभु चोर भी आ रहे, आप जाओ मेरा, मेरे चालान ही खत्म हो जाएंगे। जाओ जाओ पैसे। हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मेरा फोन, अबे मेरा फोन भी ले गई हो, मजबूर हो रहा।